नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं पंडित नरेंद्र उपाध्याय लाइव हिंदुस्तान के ज्योतिषीय कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले 29 अक्टूबर 2023 की ग्रह स्थिति देखते हैं। चंद्रमा गुरु राहु मेष राशि में, शुक्र सिंह राशि में, सूर्य मंगल बुध केतु तुला राशि में, शनि कुंभ राशि में गोचर में चल रहे हैं। गुरु और शनि दोनों ही अभी भी वक्री चल रहे हैं। राशिफल देखते हैं। मेष राशि, नकारात्मक सोच पर और मानसिक चंचलता पे काबू रखें, स्वास्थ्य पे ध्यान दें, जीवन साथी के साथ आती हुई बातों को भी छोड़ दें, अदरवाइज मनमुटाव बढ़ सकता है, व्यापार सही चलता रहेगा। पीली वस्तु पास रखें। वृषभ राशि, नेत्र पीड़ा, सर दर्द, अज्ञात भय, खर्च की अधिकता, थोड़ा सा मन को विचलित करने वाली चीजें होंगी। कुछ ऐसी भी बात होगी जो धरातल पे नहीं है, लेकिन आप उसको बढ़ा चढ़ा के सोचकर अपना मन खराब रखेंगे। प्रेम संतान लगभग ठीक है, व्यापार भी चलता रहेगा। पीली वस्तु का दान करें। मिथुन राशि, यात्रा में कष्ट संभव है, यद्यपि लाभकारी होगा यात्रा, आय की स्थिति में उतार चढ़ाव बना रहेगा। प्रेम संतान मध्यम रहेगा, व्यापार लगभग ठीक ठाक, स्वास्थ्य भी ठीक ठाक। लाल वस्तु का दान करें। कर्क राशि, स्वयं के स्वास्थ्य पे ध्यान दें, सीने में विकार संभव है। पिता के स्वास्थ्य से भी थोड़ा होशियार रहे, कोर्ट कचहरी से बचे। व्यापारिक स्थिति थोड़ी नुकसान वाली है। स्वास्थ्य प्रेम व्यापार मध्यम दिख रहा है। काली वस्तु का दान करें। सिंह राशि, किसी भी तरीके की कोई मान प्रतिष्ठा के लिए रिस्क ना लें, यात्रा में कष्ट संभव है। धर्म कर्म में शुद्धता अपनाएं। स्वास्थ्य प्रेम व्यापार मध्यम दिख रहा है। काली वस्तु का दान करें। कन्या राशि, वाहन धीरे चलाएं, लंबी यात्रा से बचे अभी। स्वास्थ्य मध्यम रहेगा, प्रेम संतान ठीक ठाक, व्यापार भी ठीक रहेगा। लाल वस्तु का दान करें। तुला राशि, स्वास्थ्य पे ध्यान दें, स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी नहीं चल रही है। जीवन साथी के स्वास्थ्य की भी स्थिति अच्छी नहीं चल रही है, और आपस में मनमुटाव पे ध्यान दें। प्रेम संतान लगभग ठीक है, व्यापार मध्यम दिख रहा है। लाल वस्तु का दान करें। वृश्चिक राशि, शत्रुओं पर भारी पड़ेंगे, लेकिन डिस्टर्बेंस बना रहेगा। ननिहाल पक्ष से कुछ अशुभ समाचार की प्राप्ति संभव है। बच्चों के सेहत पे ध्यान दें, प्रेम में तूतू में से बचें। मध्यम समय कहा जाएगा। काली वस्तु का दान करें। धनुराशि, प्रेम में तूतू मैमे का संकेत है, विद्यार्थियों के लिए मध्यम समय रहेगा। बच्चों के सेहत पे ध्यान दें, महत्वपूर्ण निर्णय अभी रोक के रखें। स्वास्थ्य प्रेम व्यापार मध्यम दिख रहा है। पीली वस्तु पास रखें। मकर राशि, घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, मां के स्वास्थ्य पे ध्यान दें, स्वयं के स्वास्थ्य पे भी ध्यान दें। घरेलू सुख बाधित, भूम भवन वाहन की खरीदारी में थोड़ा सा विलंब हो जाएगा। स्वास्थ्य मध्यम, प्रेम संतान ठीक ठाक, व्यापार मध्यम दिख रहा है। काली जी को प्रणाम करते रहे। कुंभ राशि, नए व्यापार की शुरुआत मत करिए, नाक कान गला की परेशानी हो सकती है। अपनों के स्वास्थ्य को भी लेकर के मन परेशान रहेगा। स्वास्थ्य मध्यम, प्रेम संतान ठीक ठाक, व्यापार मध्यम। हरी वस्तु पास रखें। मीन राशि, मुख रोग के शिकार हो सकते हैं, धनहानि का संकेत है, अभी निवेश ना करें। प्रेम की स्थिति मध्यम, संतान की स्थिति मध्यम, स्वास्थ्य की स्थिति मध्यम, व्यापार भी मध्यम दिख रहा है। काली वस्तु का